हेलो स्टूडेंट्स क्लास एट्थ एस एस टी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो में लेसन सिक्सथ के वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ये हमारा फाइनल वीडियो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडिया इंडिया में जो एनिशियंट टाइम में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डेवलप थी वो किन एरियाज़ में थी ढाका सूरत एंड मुर्शिदाबाद ये सब रीज़न वेस्ट सूरत अहमदाबाद में सिचुएटेड है गुजरात में सिचुएटेड है और बाकी रीज़न ढाका और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में फिर है वॉट लेड टू द डेट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इंडिया में एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हुई थी इसके जो क्या कौन कौन से रीजन के से ये डिस्ट्रॉय हुई थी एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स पीजेंट्स का लगातार एक्सप्लोटेशन हो रहा था इस तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो रही थी एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू पीजन से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द थ्री इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इन नाइनटीन सेंचुरी इन इंडिया इंडिया में थ्री इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी थी जो नाइनटीन सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री फिर नेक्स्ट है वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द इंडिया इंडिया की इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके क्या रिजल्ट हुए थे द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेट टू एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर द इंडियन मासिस इंडिया में इंडिया में आने से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले जो इंडियन पॉलिसी थी इंडिया की इकोनॉमिकल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थी इट मीन्स इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थी लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इन इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन को एक्सप्लोटेशन किया था इससे इंडिया में चारों तरफ ही पॉवर्टी का रेशो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया था तो स्टूडेंट्स हमने क्लास एट्थ एस एस टी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन सिक्स के इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने वेरी शर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं